कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आज कुवैत पहुंच रहे हैं विदेश राज्य मंत्री। अब तक 40 से अधिक भारतीयों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये पहला विदेश दौरा। ओडिशा में मोहन मांझी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निभाया बड़ा वायदा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार खोलने का फैसला। कोविड काल से बंद थे दरवाजे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में चार आतंकियों के स्केच जारी कर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। सूचना देने वालों की गुप्त रखी जाएगी पहचान। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा गया जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से दी मात, देकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह। जश्न में डूबे क्रिकेट प्रेमी।